ओके सो और भाई लोग क्या हाल है यार। तो हमारी आज की वीडियो काफ़ी अलग होने वाली है। हमारी मतलब जो मेरी जो रोज़ की वीडियोस होती थी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली, सो काफ़ी अलग वीडियो बना रहा हूँ कि आपको कब जंप एंड शूट, क्राउच एंड शूट एंड प्रोन एंड शूट कब करना चाहिए एंड कब आपके लिए वो बेनिफिशियल हो, किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो उसको ताकि रिजल्ट आपके फेवर में हो, मतलब आप सामने वाले बंदे को डाउन कर सको। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, हमारा एम है 1000 सब्सक्राइबर्स का। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सॉरी मतलब हमारा लाइक गेम रखते हैं इस वीडियो पे 5 लाइक्स का, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक कर देना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है कि आप अपने इस वीडियो को शेयर कर सको अपने दोस्तों के साथ तो प्लीज़ उसको भी कर देना, शेयर भी कर देना क्योंकि उससे मुझे हेल्प होगी काफ़ी चैनल को ग्रो करने में। सो अगर आप सपोर्ट कर सकते हो प्लीज़ सपोर्ट करो। एंड बिना बिना आपका टाइम बर्बाद के वीडियो को शुरू करते हैं। ओके सो हमारी पहली सिचुएशन है गोल गोल रानी कितना कितना पानी मजाक कर रहा हूँ, मतलब ये वाली सिचुएशन को देखो, ये सिचुएशन आपके साथ भी हुई होगी। जैसे यहाँ पे देखो, इस मैंने बाइक रोकी अपनी, इस बंदे को फिनिश किया एंड फायर कर रहा था, तभी एक बगिया गई पीछे से जिसका मुझे पता नहीं चला। ओके ये बंदा दिखा। अब ये वाली सिचुएशन आपके साथ हुई होगी बार बार कि स्क्रीन आप और बंदा दोनों गोल गोल घूम रहे हो, आप मार नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो आपको ये सिचुएशन समझ नहीं आया कि मैंने यहाँ पे क्या करा, ठीक है। इसी सिचुएशन को स्लो मोशन में देखो एक बार, ठीक है, फिर आपको समझाता हूँ कि मैंने क्या किया, ठीक है। आप क्या आप होते तो आपको क्या करना चाहिए था यहाँ पे। ओके सो ये हमारी पहली टिप, पहली बात कर रहा हूँ मैं ये क्राउच एंड फायर की, ठीक है। सो देखो दोबारा से स्लो मोशन में। ओके ओके सो यहाँ पर जो सिचुएशन हुई थी अभी कि हम लोग दोनों अपने स्क्रीन को घुमा रहे थे गोल 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 गोल, मेरा एनिमी भी घुमा रहा था और मैं भी घुमा रहा था, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग काफ़ी क्लोज आ गए थे एक दूसरे के। एंड वो चाह रहा था कि मैं उसकी स्क्रीन में आ जाऊँ इसलिए वो अपनी स्क्रीन को घुमा रहा था गोल गोल, मैं चाह रहा था कि मेरा एनिमी मेरी स्क्रीन में आ जाए इसलिए मैं अपनी स्क्रीन को गोल गोल घुमा रहा था, पर ऐसा हो नहीं पा रहा था क्योंकि दोनों ही घूम रहे थे। तो आपको यहाँ पे चालाकी करनी, जो चालाकी मैंने करी, आपको क्राउच हो जाना है। उससे क्या होगा कि सामने वाला बंदा अपनी स्क्रीन को घुमा रहा है तो उसकी सारी बुलेट्स जो होंगी आपके हेड के ऊपर जाएंगी, पर आप क्राउच हो चुके हो, ठीक है। सो आपके सामने बंदा घूम रहा होगा एंड आपकी सारी बुलेट जो होंगी उसको हिट करेंगी, एंड उसकी बुलेट हिट नहीं करेंगी क्योंकि उसकी सारी बुलेट्स आपके हेड के ऊपर जाएंगी, आसमान में ही लग जाएंगी। तो बोला था ना वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है, और भी बहुत सारे केसेस हैं क्राउच एंड शूट वाले का, आपको क्राउच एंड शूट करना चाहिए। तो वीडियो पूरा भी देखना, ख़त्म नहीं हुआ वीडियो, बोला था वीडियो अलग होगा इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो अभी भी अगर नहीं किया तो, एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और ऐसा नहीं है कि मैं थंब यूज़र हूँ इस कारण हो रहा है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये वाला सीन है ना कि भाई थंब यूज़र हो तो ये ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं यहाँ पे 5 फिंगर क्लॉ खेल रहा हूँ, एंड बात से 5 फिंगर को भी नहीं, 5 फिंगर की भी नहीं है। अगर आप 4 फिंगर 3 फिंगर कोई भी खेल रहे हो ना क्लॉ, तो ऐसा सिचुएशन होता है जब बंदा आपके काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाता है, दोनों घूम रहे होते, देन आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा, ये क्राउच करना ही पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। नहीं तो फिर लक पे डिपेंड करेगा भाई, जिसका लक बेटर होगा वो मारेगा, या तो आप मारोगे या तो वो मारेगा। तो बेटर ये है कि स्किल्स को डेवलप कर लो ग्लिचेस लगाने से अच्छा। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगली सिचुएशन दिखाता हूँ आपको। ओके तो वो तो थी कि अगर बंदा काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाए तो, अब मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था या परसों की वीडियो में कि ऑनगोइंग फाइट के बीच में प्रोन होना चाहिए, सॉरी क्राउच होना चाहिए, उससे क्या बेनिफिट होता है मैं अभी बताता हूँ। देखो ऑनगोइंग फाइट ओपन फील्ड में, ठीक है, वो बंदा मेरे पे फायर कर रहा था, मैं भी उसे फायर कर रहा था, पर कितना कम डैमेज दे पाया और मैं उसे फिनिश भी कर दिया। अब इसी क्लिप का स्लो मोशन में देखो मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। वो बंदा मेरे पे फायर कर रहा था, मैं भी उसे फायर कर रहा था, क्या हुआ कि वो मेरे हेड पे एम कर रहा था, ठीक है, मैं अचानक से आया था उसके सामने तो वो बंदा मेरे हेड पे एम कर रहा था, मैंने देखा, ठीक है, मैं अचानक से क्राउच हो गया, फिर क्या हुआ उसकी सारी बुलेट्स मिस हो गई, मेरे को लगा ही नहीं उसका भाई बुलेट, मेरे को जो डैमेज हुआ थोड़ा सा वो देखो, मैं गाड़ी से उतरा उस कारण थोड़ा सा डैमेज हुआ, ठीक है, एक बुलेट पड़ी बस, दूसरी बुलेट पड़ी एंड वो बंदा फिनिश, ठीक है, बस उस बंदे की 2 बुलेट पड़ी, ठीक है, और तब तक वो बंदा फिनिश हो गया, मेरा 75% हेल्थ बाकी रह गया एंड वो बंदा फिनिश हो गया। सो ये था भाई क्राउच का बेनिफिट, क्लोज में अगर काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो तो क्राउच करना चाहिए, एंड अगर थोड़े से डिस्टेंस बाकी है ऑन गोइंग फाइट ओपन फील्ड में तो भी क्राउच होना चाहिए, आप प्रोन भी हो सकते हो, ओके, बट क्राउच बेस्ट रहेगा क्योंकि क्राउच में फिर आप मूवमेंट आपको जल्दी जल्दी रहेगा क्योंकि सर्कल छोटा हो जाता है लास्ट में, आपको पता ही है, तो बेनिफिट रहता है क्राउच से। एंड अब आपको बताता हूँ अगला, ठीक है,
तो अगला है हमारा ये क्या बोलते हैं जंप एंड शूट। तो जंप एंड शूट भाई बहुत डिफरेंट है, इसलिए आपको ट्रेनिंग रूम में लेकर चलता हूँ, ठीक है, तो वहाँ भाई लोग समझाता देखो, हूँ। जंप एंड शूट के लिए मेरे पास कोई ऐसे अलग वीडियो नहीं है, इसी वीडियो में समझा देता हूँ आपको, क्योंकि जंप एंड शूट देखो काफ़ी अलग सा टॉपिक है, ठीक है, और सबसे बेस्ट जंप एंड शूट ही है, मैं बताता हूँ क्यों आपको, ठीक है। सपोज करो कि आप इधर से आ रहे हो, ठीक है, और आपको साउंड आता है कि आपका जो एनिमी है, ठीक है, वो इस तरफ से आ रहा है, ये समझ करो ये अभी आपका एनिमी है, अब ठीक है ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है, एनिमी को यहीं पे रखते हैं, अभी वो एनिमी आएगा, ठीक है, जब मैं बोलूँगा तब तो वो एनिमी आएगा, ओके। तो आप यहाँ पे आए, ठीक है, आपको साउंड आया कि एनिमी आ रहा है, ठीक है, एंड आप कैंपर नहीं हो, ठीक है, आप वेट नहीं करोगे टीपीपी लेने का कि आप वो जब एनिमी आएगा तब आप उसको मारोगे, ओके। देन आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे, आपको एनिमी दिखेगा, जंप एंड शूट करना है आपको, ठीक है, जंप एंड शूट। अब इससे क्या होगा, देखो बताता हूँ क्या होता है इससे। अब सपोज करो आप ही अगर वो बंदे हो, ठीक है, तो अगर आप पे सरप्राइज अटैक होता है तो आप तो या तो आप क्राउच एंड शूट करोगे, ओके, या तो आप क्राउच एंड शूट करोगे या फिर प्रोन एंड शूट करोगे, ठीक है। और अगर आप नॉर्मली शूट करते हो, जंप एंड शूट तो भाई कोई करता नहीं है ना भाई, कि अगर आपके सामने से अटैक हो रहा है तो आप जंप एंड शूट करोगे ऐसे करके, हैं जंप एंड शूट करोगे, ऐसा तो कोई करता नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, या तो नॉर्मल शूट करोगे, या तो क्राउच एंड शूट करोगे, या फिर प्रोन एंड शूट करोगे, ओके, ये तीन शूट करोगे आप। तो अब इसमें क्या होगा, जंप एंड शूट करने में आपको क्या फ़ायदा रहेगा, सपोज करो, देखो सपोज क्या करो, मतलब देखो आप ऐसे रश किए, ठीक है, आपने फायर कर दिया उसके ऊपर, ठीक है। अब क्या होगा, अगर वो फायर करेगा तो उस सारी गोलियां यहाँ रहेगी, वो ऐसा तो होगा नहीं, उसे पहले से पता होगा कि भाई आप जंप करके आने वाले हो, तो वो पहले से ऊपर गोली चलाएगा, ठीक है, अगर पहले से ऊपर चलाएगा, वैसा तो है नहीं भाई, वो कोई भी अगर एम करेगा तो आपके वेस्ट पे एम करेगा, क्योंकि आपने तो सरप्राइज अटैक किया है, ठीक है, तो या फिर क्राउच करेगा या फिर प्रोन होएगा, ये दो चीज़ होएगा, ओके। बट क्या होगा, इससे फ़ायदा आपके पास कि आपके उसकी जो एनिमी की सारी गोलियां रहेंगी वो आपके पैरों में लगेगी, आपके पैरों पे लगेगी, क्योंकि आपका हाइट तो भाई बढ़ गया ना, आप ऊपर हो आसमान में, अब आपको पता ही है, आप अगर काफ़ी टाइम से पबजी खेल लो कि अगर पैरों पे गोलियां लगती है तो काफ़ी कम डैमेज होता है, ओके। एंड आप जंप करके मार रहे हो तो मोस्टली चांसेस रहेगा कि आपकी जो गोलियां हैं उसके हेड पे रहे, ठीक है, उसके हेड पे लगे मोस्टली गोलियां आपके। अब देखो ये तो था बेनिफिट भाई एक चीज़ का, कि अगर आपके एक बंदा हो तो आप ऐसे जंप एंड शूट करके उसको डाउन कर सकते हो, ओके। अब अगर दो बंदे होंगे और आप अकेले हो गए तब क्या करोगे आप, ठीक है, देखो मैं बताता हूँ तब क्या करोगे आप। आप यहाँ से आए, आपको आवाज़ आया कि भाई वहाँ पे दो बंदे आ रहे हैं उधर से, ठीक है, एंड देन आपको करना है जंप एंड शूट के साथ प्रोन, ओके, ये करना है। अब इससे क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ, आपने जंप एंड शूट किया, एक बंदा डाउन, प्रोन किया, प्रोन एंड शूट, दूसरा बंदा डाउन, पर अब क्या होगा, आपको एक भी हिट नहीं पड़ेगा, बताता हूँ क्यों, ठीक है। देखो सामने से बंदा आया, एक बंदा डाउन किया उसने, ठीक है, जो दूसरा वाला बंदा होगा वो आप पे फायर करेगा, लेकिन आपने प्रोन एंड शूट कर दिया। अब प्रोन एंड शूट भाई 1v1 के लिए बेस्ट है, आपको पता ही है, ठीक है, कि प्रोन भी अगर आप प्रोन हो जाते हो 1v1 में तो आप इजिली डाउन कर सकते हो बंदे को, ओके। सो यहाँ पे आप दो बंदे इजिली निपटा सकते हो, ठीक है। अब अगर तीन बंदे रहेंगे तब क्या करोगे, अब देखो एक चीज़ बताता हूँ आप लोग को, कि अगर बहुत लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई हम लोग क्राउच एंड शूट भी तो कर सकते हैं, जंप एंड शूट किया पहले, एक बंदे को डाउन किया, एंड देन क्राउच एंड शूट। तो मेरे भाई देखो, क्राउच एंड शूट में एक चीज़ बता दूं कि आप जब एक बंदे को डाउन कर रहे होगे तो दूसरा बंदा हो सकता है कि आपको डाउन कर दे, ठीक है, उसमें 50-50 चांसेस रहती है, पर अगर आप प्रोन हो जाते हो ना तो बिल्कुल चांस ही नहीं है भाई, कोई चांस नहीं है कि बंदा आपको मार पाएगा, ओके, ये ऐसा सीन है इसके साथ, इसलिए इसका कोई अलग से वीडियो नहीं बना पाया मैं, आप समझ सकते हो भाई, ये थोड़ा अलग टॉपिक है। सो आशा करता हूँ आप लोग वीडियो पसंद आएगी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अरे भैया रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो भाई, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है भाई, अभी प्रोन एंड शूट बाकी है। तो वीडियो बोर हो गए होगे आप लोग, वीडियो देख देख करके, इतनी काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है, थोड़ा स्नाइपिंग देख लो। सही स्नाइपिंग कर लेता तुम्हारा भाई। ओके खैर छोड़, तो अब आते हैं अपनी वीडियो के ऊपर, ठीक है, प्रोन एंड शूट। अब देखो मैं सिचुएशन बना करके, मतलब कस्टम रूम में क्रिएट करके नहीं दिखा रहा हूँ, जो गलत तरीका नहीं भाई, गॉड निक्सन भाई करते हैं, बहुत सही करते हैं भाई, समझाने से मतलब है किस तरीके से मैं समझाओ। खैर मैं यहाँ पे सिचुएशन देख के समझा रहा हूँ ताकि एनिमी अनप्रिडिक्टेबल रहे, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे नॉक करा एक बंदे को, अब मैं रश करूँगा उसके ऊपर। अब मैं इस वीडियो को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ना, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा सही तरीके से कि आप प्रोन का फ़ायदा कैसे उठा सकते हो, प्रोन एंड शूट का, ठीक है, एंड कब,
मैंने आपको कहा था ना सरप्राइज अटैक होता है, आपको प्रोन करना चाहिए अगर आपने मेरी पिछले 2 दिन वाली वीडियो देखी होगी, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था अगर सरप्राइज अटैक हो तो आप प्रोन एंड शूट करो, ये आपके लिए 1v1 के लिए बहुत बेस्ट रहेगा, 90% चांस रहेगा कि आप बंदे को डाउन कर सकते हो, सामने वाले बंदे को 1v1 में। ओके सो देखो, हम स्मोक करके आगे जा रहे थे, मेरे साथ मेरा टीममेट था नूब खैर छोड़ो, वो भी स्मोक कर रहा था, प्रॉपर स्मोक कर रहे थे हम लोग, आगे जा रहे थे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता था कि इस टाइम तक कि एक बंदा ब्लू वाले शेक के पीछे आ चुका है, ठीक है, शेक या जो भी है वो, ठीक है, तो उसके पीछे आ चुका है रिकॉर्डिंग में, हालांकि मुझे दिखा पर गेम के अंदर मैंने ध्यान नहीं दिया था, मुझे लग रहा था दोनों बंदे घर के अंदर होंगे, ठीक है। सो मुझे बंदा दिखा खिड़की पे, मैं नेट कर रहा था, तब तक क्या हुआ मेरा टीममेट नॉक हो गया अमन। अब मुझे दिखा ये बंदा यहाँ पे लेट हो चुका था, मैं अचानक से प्रोन हो गया गन लेकर के अपना, अगर वो बंदा फायर करते रहा कंटिन्यू तो मैं उसे फायर करता, अचानक से बंदा फिर सामने आया, मैं प्रोन हुआ एंड शूट किया, मेरी हेल्थ पहले से लो थी, ठीक है, मैंने उसे एक भी बुलेट हिट नहीं करी थी, उसकी हेल्थ पूरी होगी, मैं पर मैं यहाँ पे प्रोन हो गया, उसकी बुलेट्स मिस हो गई, मेरे ऊपर चली गई सारी बुलेट, मुझे एक भी बुलेट नहीं लगा, ओके, जिस कारण क्या हुआ कि मेरी सारी बुलेट उसे हिट हुई और मैं उसे डाउन कर पाया। ओके अब इसी क्लिप को आप स्लो मोशन में देखो, ठीक है, प्रोन एंड शूट, वो बंदा दिखा सामने मेरे, बिना खुद सोचे समझे कि मैं उसे डाउन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बस खुद को बचाने के लिए मैं प्रोन हो गया। आपको भी यही करना है, आप पे कोई बंदा अगर आपसे पहले हिट ले तो आपको बस प्रोन हो जाना है, ओके। दूसरी बार में वो बंदा मुझे बस एक ही गोली मार पाया, वो भी मुझे पता नहीं कहाँ लगा, हेड पे तो बिल्कुल नहीं पड़ा, बॉडी में भी, चेस्ट में भी नहीं पड़ा, नहीं तो इतनी कम हेल्थ नहीं जाती, ठीक है, हाथों में पड़ा हुआ कहीं पे या फिर कहीं पे साइड में किसी पिक्सल पे टच हुआ होगा, ओके। सो इस कारण खुद को बचाने के लिए मैं प्रोन हुआ, क्योंकि मुझे उस बंदे ने पहले हिट दिया था, इस कारण मैं प्रोन हुआ और उस बंदे को डाउन कर पाया, ठीक है। तो ये होता है प्रोन एंड शूट, अगर आपके ऊपर सरप्राइज अटैक हो तो आप करो प्रोन एंड शूट, ओके। सो बस यही था वीडियो में, आज की वीडियो में। तो अगर आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, 5 लाइक्स का एम है एंड 1000 सब्सक्राइबर्स का एम है, प्लीज़ पूरा करवा दो, प्लीज़ 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 प्लीज़। एंड आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।